ध्रुविन किनारी वाला वेलकम। हाय पायल चक वाला वेलकम। मनीष वेलकम, मनीष नागिन वर्ल्ड वेलकम। आज रमाकांत दायमा जी है ध्रुविन। रमाकांत जी बहुत ही अच्छे एक्टर है, उन्होंने चक दे इंडिया मूवी में भी काम किया था, काफ़ी सारी मूवीज की उन्होंने, देख के ही पता चल जाएगा आपको। ईशान वेलकम, बंसल जी वेलकम। हाँ मोक्षा वेलकम, मोक्षा हाउ आर यू, वाओ नाइस मीटिंग यू मोक्षा, थैंक यू सो मच मोक्षा। अगेन आई एम सेइंग थैंक यू बिकॉज या यू नो व्हाई आई एम सेइंग थैंक यू, यू आर डूइंग वेरी गुड। रमाकांत सर आ गए, रमाकांत सर को हम ब्रॉड पे लेते हैं। अरे वाह क्या बात है भाई, आज तो जिंदगी मौत का सवाल है भाई, रेडी है ना सुजरम भाई? ओहो थैंक यू सो मच। रमाकांत दायमा हाजिर है हेतल के दरबार में नहीं नहीं हमारा दरबार नहीं, ऊपर वाले का दरबार है और उसमें हम छोटे से दो प्यादे हैं जो आज खेलेंगे ब्रॉड पे। सर जय गुरुदेव सबसे पहला, तो जय गुरुदेव सबसे पहला। अने ऐसे तबीयत ठीक है सर? आई एम रॉकिंग फर्स्ट क्लास, बहुत मजे में, आनंद में है। यही तो सीखते हैं सर आपसे, गुरुजी का आशीर्वाद है अपने पे। यस, और कुछ देखना नहीं होता है गुरुजी का आशीर्वाद। अपने शू, अपने शू, टेंशन लेने का नहीं बिल्कुल एकदम, टेंशन दे देने का। सर बजट क्या है, तुम जितना बोलता होगा डबल, टेंशन में वो आ जावे, अपने को टेंशन लेने का नहीं। सामने वाला बजट पूछे ना तो अपने को मालूम है अपने से आधा बोलने वाला है, आप उसे डबल बोलो वो बोलेगा मेरे को, वो बोलेगा मेरा बाप मिल गया आप ही देवाय, अपने पास कहीं रखवानू नहीं मुकवानू नहीं, आप ही देवाय, तारो धन समर्पण तेरा तुझको अर्पण। कुछ ऐसे हाथ में लेंगे तो अपने पास आएगा ना, और क्या उसका उसी को दे देने का, उसका उसे को दे देने का। याद रखो वो तुमको ढूंढ रहा है, रिमेम्बर वो तुमको ढूंढ रहा है। करेक्ट 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 करेक्ट। बहुत सारे लोग सर आप सर शूटिंग तो गए कल। हाँ मेरा स्वागत करो, नमस्कार। हाँ सर पहले आपका स्वागत कर दो सर, आप टाइम निकाल के आए यहाँ पर हमारे लिए, ब्रॉड पे भी बहुत सारे लोग हैं और सभी सुनने वाले देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप हेतल के शो के साथ जुड़े हुए हैं। हेतल एनर्जी का बंडल है, इसके ऊपर भगवान के गुरु का बड़ा आशीर्वाद है, ये जहां जाता है चमक जाता है, लोगों को चमका भी देता है। अरे स्वीट तो कुछ है यार सर, जैसे हर किसी की एक जर्नी होती है, आप इस स्टेज पे जहां पर अभी काम आप पहुंचे हैं, जहां पर जिस स्टेज पे आप काम कर रहे हैं सर, वहां पर पहुंचने के लिए कहां से शुरू किया आपने, वो जानना है कि क्या रही है आपकी जर्नी, मतलब कहां से शुरू किया, कब पता चला कि मुझे एक्टिंग करनी है और ये कैसे है इस फील्ड में आया आप, वो जानना। देखो सबसे पहले तो आपका पता होना चाहिए कि आपको एक्टिंग आती कि नहीं आती, सबसे पहले पता होना चाहिए। अच्छा मैं समझता हूँ कि एक्टिंग जो है वो जैसे सुर गले में होते हैं ना, सबके सुर जो है भगवान ने 7 सुर सबको दिए, सबके गले में है, लोगों को एहसास नहीं है कि वो सुर हम कैसे लगा सकते हैं और सुर लगने लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये भी एक ब्लेसिंग का तरीका है। एक्टिंग भी जो है ना, हम जिंदगी भर एक्टिंग करते हैं, माँ के सामने, सर के सामने, ट्यूशन में, क्लासेस में, सर लेट क्यों है, सर वो ट्रैफिक हो गया, जरा फंस गया था,
हम एक्टिंग ही करते हैं। आपको जब एहसास हो जाएगा कि यार ये कला मुझ पे है, इसको मैं और फर्निश करके और इसको पॉलिश करके मैं इसके ऊपर इसके जरिए लोगों से जुड़ सकता हूँ, कहानियां सुना सकता हूँ, लोगों को खुश कर सकता हूँ, तो इसके जो क्राफ्ट है इसमें घुस जाओ, तब वो फिर आपका प्रोफेशन पैशन बन जाता है। मुझे याद है मैं स्कूल में पढ़ता था 8वीं में शायद, और संस्कृत का क्लास था, तो संस्कृत के हमारे जो टीचर है जो टीचर जो थे वो उनकी हाइट थी 6 फुट 2 इंच, और लाइब्रेरी के इंचार्ज भी थे हैं। तो लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, लाइब्रेरी का दरवाजा बहुत बड़ा था, तो चाबी भी बहुत बड़ी थी, तो वो क्लास में डंडा लेके कभी नहीं आते थे, वो चाबी लेके आते थे। हाँ अच्छा बोलो, रामा 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 प्रथमा रामा रामा, टंग घंटी टंग ऐसे मारते थे। अब वो सबके बैंड बज रहती थी कि सब श्लोक याद करके आओ। तो एक दिन वो कुछ लोग याद करना था, बड़ा मुश्किल था, और वो एक एक करके आ रहा है, टन 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 घंटियां बज रही है, मेरे पास आ रहे हैं धीरे धीरे 8वीं में। अब एक बेंच मुझसे पहले पहुंच गए और उसको एक घंटी बज चुकी थी टंग। अब उनका मुझ पे एक वो लुक जाने वाला था, और मैं धड़ाम से नीचे गिर गया, पेट पकड़ के, सर पेट दुख रहा है सर, मम्मी माँ मर गयो मर गयो। तो बोले क्या हुआ क्या हुआ? तो मेरे पीछे के जो दो तीन दोस्त थे बोले सर लगता है इसकी तबीयत खराब होगी, इसको हम घर लेके जाए। बोले हाँ ले जाओ ले जाओ। तो मेरे साथ वो बंदे भी निकल गए, मैं तो निकल ही गया, मेरे साथ वो दो बंदे भी निकल गए। तो मेरे साथ मेरे दोस्तों को लगा कि हाँ यार ये तो एक्टर है। तो वहां इस बात का एहसास हुआ, यार ये तो अपने को आता है। अच्छा उसके बाद में स्कूल में कुछ हंगामा नहीं हुआ, कॉलेज में आने के बाद में अचानक वो बोतल जो शैंपेन की होती है ना, उसका ढक्कन खुल के फुसफुसा के सब बाहर आता है, वो सब बाहर आने लगा। मैंने कहा मैं गा भी सकता हूँ, मैं मिमिक्री करता हूँ, मैं एक डांस करता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं बजाता हूँ, ये सब चीजें मुझे एक हद साल में मालूम पड़ गई, और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। तो यहां से फिर अभी वो अच्छा खासा दिखने में स्मार्ट मारवाड़ी बंदा, गोरा चिट्टा, हिंदी अच्छी है। मैं शहर से आता हूँ, उसका नाम है सोलापुर है ना, तो वहां की हिंदी अलग है, ये नॉर्मल जो हिंदी होती है उससे वहां की हिंदी अलग है। जैसे हम बोलते हैं मैं जा रहा था, मेरी मम्मी ने कहा कि दही लेके आओ, तो मैं ले आया। और सोलापुर के बंदे को बोलोगे वो बोलेगा अरे मेरे को अम्मा बोली दही लेको आ करके, मैं भागते भागते गया, धप्पड़ से पड़ा, और पड़ा तो पड़ा हर उड़ को भाग गया, लेकिन दही लेको आया। तो वो अलग हिंदी है। करेक्ट 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 तो वो अब मारवाड़ी मेरी हिंदी अच्छी, शक्ल इतनी प्यारी, तो मुझे हीरो बना दिया। तो वो वन एक्ट प्ले करते करते, वो प्ले करते करते हीरो बन गया। मैंने कहा अपने को ये भी आता है। अच्छा फिर क्या वो बात गाने है। लग गया, तो फिर वो ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा धूमधाम समागा शुरू किया, तो लोगों को लगा ये तो अच्छा स्टार है। तो तब लगा कि वाह यार बम्बई, तब लगा बम्बई जाते हैं, हाँ वहां से जर्नी शुरू है। अब जाना ओ था बम्बई, उससे पहले सोचा था क्यों ना पूना जाके FTI का कोर्स कर लेते, सर एक सेकंड लेकिन सॉरी सर इतना सर मैं आपको हाँ बीच में यश यशस्विनी गायमा यशस्विनी मेरी बेटी होगी। ओ माय गॉड, अब वो आ गई इसमें। यशस्विनी जी अरे शी इज स्वागत अ करते स्टार हैं आपका, बाबा, हम स्वागत करते हैं यशस्विनी, स्वागत ये करते हैं स्टार है, आपका यशस्विनी इज अ स्टार। यशस्विनी द स्टार। यस एब्सोल्युटली, उनके पापा हाँ स्टार है तो ये तो स्टार होगी होगी, अरे मोर ना इंडिया ने अपना चिकन गुरु वाला ही तो पड़े स्टार, अपना गुरु ही स्टार है, फिर अपन सभी स्टार हैं। सब स्टार है। वेलकम है यशस्विनी। यस सर प्लीज। तो देन आई वांटेड टू गो टू गेट इन टू FTI, बट FTI में उस वक्त एक्टिंग के कोर्सेज वगैरह बंद थे, तो सोचा गया जस्ट गो टू बॉम्बे। अब मेरा परिवार जो है बड़ा ऑर्थोडॉक्स है, हमारे यहाँ फिल्म अच्छा देखने जाना गुनाह है, अच्छा फिल्म देखने गए तो थप्पड़, बिगड़ गयो हाथ से गयो छोरो। अब अच्छा मैंने कहा बॉम्बे जाऊं, अब बॉम्बे में चाचा जी रहते थे, उन्होंने मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा सहारा दिया, तो उनके घर चाचा जी के साथ रहा मैं। अब हाँ फिल्म की बात करो तो धुलाई ना, तो क्या हाँ करें, फिर नौकरी पकड़ ली घर से बाहर निकलने के लिए। और उसके बाद में फिर मैंने जरा चक्कर लगाने शुरू किए, और मेरे सोलापुर के एक मेरे बड़े भाई साहब का दोस्त था राजू जोशी, वो तब वहां पे कुछ करने की कोशिश कर रहा था, मैं उसके साथ हो लिया। अब वो मुझे हर जगह ले जाता, पृथ्वी थिएटर ले जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ। फिर एक प्ले हो रहा था वन मैन विदाउट शेडोज, तो उसमें वो हाँ काम करने वाला था, तो फिर मुझे बोला एक डमी रोल कर लो आप भी। तो फिर वो चक्कर में शुरू करते करते ना मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत भयंकर महासागर है भाई। देखो महासागर है। हाँ होता करेक्ट क्या है, छोटे शहर में आपको लोग चढ़ा देते हैं, सर अरे क्या यार तू क्या दिखता है, क्या स्टाइल है, क्या डोले शोले, मुंबई चला गया। अब कौन आ गए मुंबई, अब
सबको लगता है, और घर वालों को लगता है मेरा बेटा तो हीरो ही है, दोस्तों को लगता है मेरा दोस्त तो स्टार ही है, वो सब चढ़ा देते हैं, आप बंबई आ गए। यहां से दिक्कत क्या होती है, कुछ लोग तो घर निकले जाते हैं और कुछ लोग बेचारे रह जाते हैं। तो खैर ये सब चक्कर शुरू हुआ। फिर अभी वहां पे एकता नाम का एक बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप था, अब उसमें बड़े बड़े 30 बार का काम कर रहे हैं, घुसने का चांस ही नहीं। तो कोई छोटा बड़ा ग्रुप पकड़ा था जिसमें वो हो रहा था वन मैन विदाउट शैडोज। तो तब क्या हुआ, एक इफ्टा से आरएम सिंह साहब निकल के उन्होंने अपना ग्रुप बनाया था अवामी रंग मंच, तो उसके साथ जुड़ गए। तो अवामी रंग मंच अभी नया नया था, तो वो मैक्सिम गोर्की के प्ले पे काम कर रहे थे मदर पे, तो वो काम चल रहा है, अभी लिखाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है, तो हमारा नंबर ही नहीं है ना, हम तो क्राउड वाले ना, फिर नया लड़का है कौन मौका देगा। तो चक्कर लगा लगा कि मैं थक गया, तो मैंने कहा अपना कुछ करते हैं, तो क्या करें, ग्रुप बना नहीं। फिर मैं सोचा दूरदर्शन में घुसते हैं, दूरदर्शन में भी बड़ा हंगामा। तब दूरदर्शन में नाटकों में तो बड़े बड़े स्टार ऑलरेडी घुसे हुए थे, मराठी में घुसने की कोशिश की, वहां पर बड़े बड़े स्टार थे। बहुत मुश्किल समय था भाई, बहुत मुश्किल समय था। फिर मैंने दूसरा रास्ता पकड़ा, चलो मैंने कहा दूरदर्शन कंडक्ट करते हैं, संचालन करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं ना, लाइक उसमें घुस गया। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे एक मराठी फिल्म मिली, माधव सौभाग्य, मेरे एक दोस्त हैं संजीव शाह, उनके पिताजी पिक्चर बना रहे थे, तो उनके तो आपने, सामने आप गया। आपने मराठी भी की? हाँ मराठी फिल्म की थी मैंने, माधव सौभाग्य। अरे ऑफकोर्स मराठी, आपण मुंबईला, मुंबईत जन्म आहे माझा, मुंबईचा जन्म आहे आणि शिक्षण सोलापूरला झालेलं आहे, त्यामुळे मराठी म्हणजे मातृभाषा जरी नसली तरी मायबोली आहे। पण इतना फ्लुएंटली बोलणं मेरे लिए थोडा टफ हो रहा है, तो इसलिए आई एम आस्किंग यू। नहीं ठीक है, होता है, क्योंकि एक तो क्या ना, सोलापुर में पढ़ा मैं, हालांकि वहां की मराठी भी अलग है, सोलापुर की मराठी कैसी है, वो कन्नड़ी बोलते ना, कन्नड़ी उल्टा मारती ना, उनका एक टोन होता है, हम मराठी में कैसे का रे कुठे गेलता ऐसा सब संगीत में तो खैर तो खैर मैं बचपन से पढ़ने का शौक था बड़ा, तो वो थोड़ा भाषा पे थोड़ा काम करते रहे, थोड़ा मराठी साफ हुई, हिंदी भी साफ है, तो वो होता रहा। फिर क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो फिर यहाँ आके फिर वो कई छोटे मोटे ऐसे किए मैंने, फिर थोड़ा ग्रुप बनाया, तो वो ग्रुप चला नहीं, तो फिर वो दूरदर्शन में घुस गए, रेडियो में घुस गए, यू नो लाइक लिखना शुरू किया, फिर वो कभी कविताओं में घुस गए, फिर वो राइटिंग में घुस गए, बहुत सारा हुआ हंगामा। फिर जो सबसे पहले मुझे जो हिम्मत मिली वो एक प्ले था फिरोज खान साहब का, गांधी माय फादर प्लेटफॉर्म, उससे जब मैं जुड़ा इंग्लिश थिएटर में, तो वहां पर एक सीन एक करेक्टर करते करते भी दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा करते करते फिर वो उनके साथ जुड़ गया। वहां जयती से मुलाकात हुई मेरी, जयती भाटिया, जैकी भाटिया। हाँ, और गांधी का रोल करते थे बम्मन ईरानी, पहले नसीर भाई करते थे, तो उनका कुछ वो भूत अलग हो गया, तो हमको वहां एंट्री मिल गई। वहां पे काफी पॉलिश हुआ, लोगों को देखा, बैक स्टेज बहुत किया, विंग संभाला, एक्टिंग की, कपड़े किए, कपड़े प्रेस किए, बहुत बहुत किया, तो वहां से थोड़ा डिसिप्लिन और अच्छा आया मन में। सोलापुर में था तो छोटे मोटे लेवल पे नाटक करते ही थे और एमएचए लेवल पे प्ले करते ही थे, लेकिन वो एक वो बचकाना सा होता है सब, वो हमको लगता है हम बहुत अच्छे हैं, समंदर में आने के बाद मालूम पड़ता है कि तुम छोटी सी मछली हो भैया, छोटी सी मछली हो। मिक्की मक्खी जैसी कह रहे हैं कि टू पावर हाउसेस ऑफ टैलेंट। हाँ, और अगर जब तक तुम अपने आप को छोटी मछली, क्या मिक्की मक्खी जैसी को जानते हो? मिक्की मक्खी जैसी, मिक्की मक्खी जा, मैं बोलता हूँ स्वीटेस्ट गाय, आई नो, हिलेरियस गाय, फुल ऑफ एनर्जी। मैं बोलता हूँ ऐसा एक आपका दोस्त हो ना तो आप बीमार पड़ नहीं सकते भाई। लुक ऐसा है कि वो मतलब आप मैनेजिंग डायरेक्टर, पुलिस कमिश्नर, ये वो बाप बाप बाप, सारे कैरेक्टर का, सारे कैरेक्टर, बहुत अच्छा एक्टर भी है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, ये तो बहुत बढ़िया सर। हमारे हमारे ब्रॉड पे बहुत सारे ऐसे हमारे फैंस लोग आए हुए हैं, हमारे फैंस से ज्यादा आपकी बेटी के फैंस बहुत सारे, जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग जो है वो आपकी बेटी के लिए आए। अच्छा अच्छा, देखो बेटी का ऐसा बताया कि अब मेरी बेटी, मेरा बेटा भी एक्टर है, प्रबुद्ध नाम है उसका, बेटा भी एक्टर है, लेकिन अच्छा। आपको जानकर ताज्जुब होगा भाई मेरे कि इन दोनों ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि पापा हम कैसे करें, मैंने किसी को फोन नहीं किया कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, इन्होंने मुझसे किसी कास्टिंग वाले का नंबर नहीं लिया, इन्होंने मुझसे किसी डायरेक्टर का नंबर नहीं लिया, बोले पापा हम कर लेंगे। हाँ,
और ना ही मुझे उनको टिप देनी पड़ी बच्चों को। मैं जब क्या कभी बात बात होती थी, जब कभी बात होती थी बच्चों से, मैं अभी जब मैंने देखा कि बच्चे एक्टिंग करने लगे हैं, तो मैं अपनी हाँ तरफ से बोलता था, मैंने कहा एक ओके उसूल ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी सीन आप अगर सबसे पहले डायरेक्टर से बात करके सीन को समझो, और अगर आपकी करेक्ट समझ में नहीं आए तो डायरेक्टर से पूछो कि सर मेरे समझ में नहीं है, दोबारा समझाओ। और कोई भी एक बार ब्रीफ मिलने के बाद में दोबारा कंफर्म करो कि सर आपने ये कहा था ऑन एक्शन मैं एंटर करूंगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, फिर मैं ये करूंगा, सही है ना सर? हाँ, तभी क्लियर कर लो, क्योंकि बाद में 10 गलतियां करके गालियां खा के फिर करने का मतलब नहीं, तो उसका भी टाइम बचता है, उसकी एनर्जी बचती है, उसका मूड खराब नहीं होता। एक चीज मैंने करेक्ट अपने बच्चों करेक्ट को दी थी, लेकिन आपको करेक्ट ताज्जुब करेक्ट होगा कि इन्होंने आज तक मुझसे किसी का नंबर नहीं मांगा, मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा कि मेरा बेटा है बेटी आने वाली है, बल्कि अब मुझे लोग बोलते हैं सर आप यशस्वी सिंह के फादर हो ना, लो बेटा। तो जैसे मैं बंबई में आया था, मेरा कोई जान पहचान नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, हमारे ब्रॉड पे काफी सारे लोग यशस्विनी से मिलने के लिए भी आए हुए हैं। सो अरे मैं वाह उन क्या सबका बात, भी स्वागत करता हूँ, सबका स्वागत अवश्य करता हूँ। अगर मैं भी आपने सकता। यशस्विनी के जितने भी फैंस हैं, उन लोगों ने अगर हम दोनों को फॉलो नहीं किया तो प्लीज उनकी वजह से हमें फॉलो कर दीजिए, ताकि हम लोग नहीं आगे हमारे दोस्तों को पास ऑन कर सके। नहीं देखिए फॉलो करना अच्छी बात है, हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, हम एक करेक्ट दूसरे से करेक्ट सीखते हैं। इनके जो करेक्ट जो हम जिनको फॉलोअर्स बोलते हैं ना, वो लोग हमसे प्यार करते हैं, करेक्ट उनका करेक्ट प्यार ही हमें इतनी ताकत देता है, उनकी ब्लेसिंग हमें ताकत देती है, और उनकी ब्लेसिंग की वजह से उनका हमसे जुड़ना ही हमको उनसे जोड़ता है। करेक्ट 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 दिस करेक्ट करेक्ट कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू कैन नॉट इंपॉर्टेंट कनेक्ट विथ योर ऑडियंस विथ ऑनेस्टी यू कैन नॉट डू इट। आप करेक्ट स्टाइल वेल मार के डायलॉग बोल के निकल जाओ, लेकिन आप सामने वाले आदमी की आंखों में एक बूंद आंसू अगर पैदा नहीं कर पाए तो आप क्या कर दिया? करेक्ट बिल्कुल करेक्ट और बोला आपने, दैट विल बिल्कुल। हैपन ओनली विथ कनेक्शन विथ ऑनेस्टी एंड कन्विक्शन। वाओ सो आई थैंक ऑल ऑफ देम जो आए हैं और जो आने वाले हैं, उनका मैं स्वागत शुरू में अभी ऐसे कर देता हूं कि जल्दी आ जाओ भाई और भी आके जुड़ जाओ। सर, योर डॉटर इज अ प्योर जेम, वो तो होगी ही भाई, ऑफकोर्स आई एम ब्लेस्ड, ऑफकोर्स होगी। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। यशस्विनी इज प्रोबेबली द कूलेस्ट मिलेनियम एक्ट्रेस। वाओ सर, मुझे लग रहा है कि अभी यशस्वी के साथ हमें एक बार ब्रॉड पे उनको लाना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि यशस्वी प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम यशस्विनी बातें। भाई, यशस्विनी। यशस्विनी हाँ लोग यशस्विनी कई बार ना शॉर्ट फॉर्म कर दे, यश कर देते, इशू कर देते, नहीं भाई, जो यश नाम नाम में जो पावर है यशस्विनी, डोंट स्पॉइल द नेम, लेकिन लोग करते हैं यशस्विनी नहीं, आउट ऑफ लव, यशस्विनी यू नो नहीं, समटाइम दे शॉर्टन द नेम एंड यशस्विनी ऑल। इज अ वेरी गुड नेम एक्चुअली एक्चुअली। यस डेफिनेट गुड नेम। ये ले, हाय सर यशस्विनी इज हियर। यशस्विनी, माय डैड्स इंटरव्यू, गिव हिम लव, मेरे बारे में मत बोलो इतना, अभी चिल हाउ करो सब स्वीट, लोग। हाउ स्वीट। ओके बाय। मैं यशस्विनी से मिला हूं सर, ना कहाँ मिला था? यशस्विनी आई नो हर, मैं अच्छा कई बार गुड मिला गुड, हूं। एक बार यस यू यस नो मी तो यू नो माय फैमिली ऑल्सो नो, ऑफ कोर्स ऑफ मतलब कोर्स। नहीं ऐसे। बट एक्चुअली आपके जरिए नहीं मिला हूं, मुझे आज पता चला कि ये लड़की आपकी बेटी है, ओ मैं अच्छा उसको कहीं मिला हूं। वेरी नाइस, हाँ, वेरी यशस्विनी से गुड मिला गुड हूं। गुड 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 यस गुड गुड। सर, मुझे द होल ये वर्ल्ड जानना इज, था दुनिया सर, बड़ी मुझे गोल है ये भाई। जानना हाँ दुनिया बड़ी गोल है हाँ और अपनी इंडस्ट्री में तो बहुत ही गोल है सर। मैं बताऊं आपको भाई सर, सब अगर आप अगर कहीं एक रास्ते से जा रहे हो, मैं कहीं से जा रहा हूं, अगर हम दोनों की नजर नहीं है, आपने मुझे देखा और हेलो किया लेकिन मेरी नजर नहीं है, कहीं ना कहीं एक मोड़ पे वापस घूम फिर के हम वहीं पे, अरे मैंने तुझे उधर हेलो किया, तूने किया नहीं। मैं बता रहा पक्का हूँ सर, मैं बता रहा 100% हूँ सर। परसेंट गुरु जी इसलिए हमेशा कहते हैं किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी डेफिनेटली, को एवरी भी। एवरी 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 पर्सन इज डूइंग हिज जॉब। हम शूट पे करेक्ट जाते हैं, लाइटमैन अपना काम कर रहा है, सेट वाला अपना यस काम कर रहा है, वो यस स्पॉट वाला अपना काम कर रहा है, वो उसकी एक कार्य शक्ति से लिमिटेड है, इसलिए वो स्पॉट का काम कर रहा है, उसका काम करेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका है। करेक्ट उसको करेक्ट इज्जत दो भाई, सर उसको इज्जत दो, उसको उतने ही प्यार से बात करो, उसको पूछो तुमने खाना खाया क्या, उसको पूछो तुम चाय पियोगे क्या, क्योंकि आपकी तरह वो भी इंसान है। करेक्ट बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल ऑलवेज करेक्ट रिमेंबर, कई बार क्या होता सर। है हम कोई शो कर रहे हैं, हाँ तो कई बार क्या होता है हम शो कर रहे होते हैं ना, तो कई बार कैमियो के लिए नए नए लोग आते हैं, यू नो लाइक एक दिन दो दिन के लिए आते हैं, अच्छा हमारा तो अपना ग्रुप बन जाता है, हम अपनी हंसी टिटोली कर रहे हैं, खा रहे हैं चाय पी रहे, वो बेचारा कोने में कहीं बैठा बैठा
ऐसा करते रहता है, तो मैं ऐसे उसको उसको पकड़ के लाता हूँ, क्योंकि उसको अकेलापन एक एक ना ऐसा महसूस न हो कि मैं इनके इनसे अलग हूं। तो जब उसको इंक्लूड कर देते हैं तो फिर उसको अच्छा लगता है, अच्छा लगना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये अपना फर्ज है, अपना कर्तव्य है। मिक्की मक्खीजा जी ये कह रहे हैं, द टैलेंट क्वोशेंट जस्ट जंप्ड अप विद डॉटर्स एंट्री। ओ या सी, बच्चे जो है ना दे फुलफिल, आपको संपूर्ण करता है आपका परिवार जब आपके घर में बच्चे हो जाते, इट कंप्लीट्स द फैमिली। एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई हैव अ गुड फ्रेंड्स, आई हैव अ ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी, आई हैव अ गुड फैमिली। मैं और क्या चाहता हूं, कुछ नहीं, आई एम सो हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। सर आप मिगलानी धीरज को जानते हो? हाँ हाँ, अरे मंगला धीरज तो बहुत मस्त बंदा है सर। वो बोल रहे हैं कि रमाकांत जी मुझे भी फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट कर दो प्लीज। पक्का पक्का पक्का, मिगलानी वेलकम आपका। धीरज धीरज बहुत काम करता है, बहुत बहुत मेहनती आदमी है, अच्छा काम करता है, और वो सिंटा में भी बहुत भागदौर करता है, लोगों की हेल्प करता है। आप भी तो कितना भागते रहते हैं। हाँ हाँ, करना किसी का भी काम होता है तुरंत आप भागते हो, मेरा कुछ काम होता है तो आप तुरंत फोन पे तुरंत रिप्लाई कर देते हो। आई रियली अप्रिशिएट। डेफिनेटली हम जुड़े हैं ना एक दूसरे से, वी आर अ लार्जर फैमिली। मतलब यू नो, हम लोग परिवार की परिभाषा बदलती रहती है। सबसे पहले हम अपनी माँ, अपने माता पिता, बच्चे, फिर अपनी पत्नी, फिर अपने चाचा चाचे, मौसा मौसी, ऐसे बढ़ते रहता है ना। सर तो ये गुरुजी से कब, गुरुजी से कब मुलाकात हुई, श्री श्री रविशंकर जी? अरे गुरुजी का तो उनको बताओ फंडा। देखो, मैं जब मेरी वाइफ पहले उनकी भक्त बनी, मैंने कहा ये बाबाओं का चक्कर मेरे सामने मत कर, ये सब लुटेरे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, मैं बाबाओं के चक्कर में नहीं आता। करेक्ट। मुझे बोली आप कोर्स कर लो, मैंने कहा नहीं करने वाला। सेम हियर। मुझे बोली हाँ, अरे एकदम, मैं बोला बहुत बाबाओं को देखा मैंने, ये मैंने के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। फिर बोले कम से कम एक टॉक है, वो टॉक सुनने के लिए आ जाओ। मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैं वो बाबू और दिनेश भैया जो है, दोनों IIT के गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने अपना काम दाम छोड़ के वो काम कर रहे हैं। मैंने उनकी बातें सुनी, मैं बोला यार ही इज मेकिंग सेंस। करेक्ट। He is making sense. It is not about religion. It is about knowing you and how to go about your life. मैंने कहा okay, बंदा ठीक है। मैंने कहा कोर्स करता हूँ। फिर कोर्स करने के लिए तब फीस थी 1500 रुपए। मैंने कहा हुड़, पैसे क्यों दूँ, फ्री में कराओ। क्यों दूँ, फ्री में कराओ, मारवाड़ी है, पैसा क्यों देगा। करेक्ट। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं। बोले देखो आपको लगता है ना आपका 1500 रुपए खर्च हो रहा है, तो गुरु जी आपको वापस कर देंगे 1500 रुपए, कोर्स कर लीजिए। मैंने कहा ये क्या नया मजाक है। ये सब होता है ना ऐसे। तो मैंने कहा ऐसे मुझे है ना, सब अपने ब्रेन वॉश कर रहा है मेरा। मैंने कोर्स किया भाई, और इट वाज एन अमेजिंग कोर्स, आर्ट ऑफ लिविंग का जो था ना, बेसिक कोर्स किया मैंने, अमेजिंग कोर्स। मैं कहा ये यार ये क्या चीज है जो मुझे यू नो अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और पता नहीं एक सपोर्ट सा मिलता है अपने को, कुछ है अपने साथ। एंड आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट जोक। और मैं तब जो है ना अपनी फोटो वोटो छाप के ना फेमस स्टूडियो में, सभी प्रोडक्शन हाउसेस के घर में, ऑफिस में जाके फोटो छोड़ के आते थे हम शुरू शुरू में। हाँ, सब फोटो के पीछे नाम नंबर हाइट वाइट सब लिख दिया, स्लिप अपने फोटो लेके, हजारों फोटो बांटे हैं मैंने। मैंने संघर्ष, मतलब संघर्ष तो नहीं बोलता हूँ मैं, मैंने भागदौड़ बहुत की। संघर्ष शब्द मुझे पसंद नहीं है, मैंने भागदौड़ बहुत की। तो फिर वो हफ्ता भर हुआ होगा मुझे कोर्स करके, एक फोन आया कि एक छोटा सा ऐसा एक आपका प्रिंट करना है मेरे को, आप क्रिकेट का कैप पहन के खाली ऐसा कुछ आउट ऐसा निशानी कर रहे हैं, जिनमें फोटो बांटे थे और मैं किसी ने बुला लिया, मैं चला गया। मुझे बोला कितने पैसे मिलेंगे, उन्हें बोला 1500 रुपए। ये जादू है सर, ये मैं बोला पैसा, मैं बोला पैसा वापस आ गया, पैसे के वापस आके साथ साथ आ गया फेथ। यस, है ना। आज yes. आज एक बात का मुझे एहसास हमेशा रहता है कि आई एम नॉट अलोन, somebody is looking after me, is after me, and actually it goes with everybody. जिनके गुरु नहीं भी होंगे, जो बच्चे हैं आजकल के, they should also believe nobody is alone in this world. Even if you feel आपका कोई दोस्त नहीं है, अच्छा दोस्त नहीं है, बात नहीं कर सकते, रिमेंबर अ पावर, अ यूनिवर्सल पावर, आप उसको कुछ भी नाम दो, कोई भी मजहब हो, कुछ भी नाम दो, is looking after you. Only thing Correct. Is you should realize, the moment you realize you have a connection. Connection. Yes. Until and unless you realize and have faith. तो श्री श्री रविशंकर जी काम करते हैं, आपको अपने आप के साथ मिला देते हैं, फिर आप
खेलते रहो दुनिया में, लगे रहो, जो भी करना है करते रहो। देखो वहां गए तो तुम मिल गए, वहां गए तो तुम मिल गए, मिले कि नहीं हम लोग? हम भाई आश्रम में मिले थे पहली बार, आश्रम में मिले थे पहली बार, हमने काम नहीं किया अभी तक, हमने काम नहीं किया। यस यस, हमने एक्चुअली काम नहीं किया है, हम मिले भी नहीं थे, लेकिन आश्रम में मैंने आपको देखा और मैंने आपको बोला था आश्रम, मैंने आपको फिल्मों में देखा, और तब मेरा एक्चुअली नया नया था, मैं एक्चुअली बिल्कुल नया था तब, सो या, और तब से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। सर आकाश दहिया जी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, आपके भी बहुत अच्छे दोस्त है, अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे एक्टर भी है, बहुत ही अच्छे एक्टर भी है, बहुत अच्छे। सो वो कह रहे हैं कि वी ऑलवेज लर्न समथिंग एज एन एक्टर व्हेन एवर वी ऑडिशन यू। अरे सर एक्चुअली एवरी ऑडिशन गिव्स मी अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न अ न्यू कैरेक्टर टू मी। मैं क्या समझता हूँ, देखिए कई बार क्या है ना कि अभी कुछ लोग जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना तो बोलते हैं ऑडिशन, मैं ऑडिशन दूंगा। मैं क्या देखता हूँ, ऑडिशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले अ न्यू कैरेक्टर इन अ डिफरेंट वे। एंड देखिए ऑडिशन में बहुत से एक्टर भी इसमें होंगे, मैंने क्या देखा है बहुत से लोग जो है ना वो ऑडिशन नंबर वाइज देखे जाते हैं, आज 3 गया 4 दिया 5 दिया, नहीं 1-2 उसमें अपनी जान लगा दो 100%। ऑब्जर्व एवरीबडी, ऑब्जर्व द कास्टिंग डायरेक्टर, रीड द स्क्रिप्ट 3 times और ये देखो कि उसमें कास्टिंग वाला जो बंदा है वो कहीं कोई चीज भूल तो नहीं क्या बताना तुमको, एंड अंडरस्टैंड, और अपना कुछ लेके जाओ उसमें, जो दूसरे ने किया वो देख के वही करना है ना सर? नो, वो बोलेगा सर जिसने किया वही आप करो, मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा जो मैं करूंगा। करेक्ट, एक बात ध्यान रखना, आपका दुनिया में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, एक बात ध्यान रखना, लोग समझते सर सब लोग कॉम्पिटिटर है, हमारा मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि रमाकांत दायमा की आंखें और किसी की नहीं, ये लंबी नाक रमाकांत दायमा की अपनी है, ये मूछे मेरी अपनी है, ये आवाज मेरी अपनी है, उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है भाई, नहीं है, नहीं किसी एक्टर से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मैं मुझे किसी से कोई डर नहीं, ये ले जाएगा वो ले जाएगा, नो सर, जो आपका है आपको मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, लगे रहो। करेक्ट करेक्ट सर, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ आप जिस हिसाब से बातें कर रहे हो, अभी तक हमने जितनी भी बातें की, मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके और मेरे थॉट बिल्कुल मिल रहे हैं, 99.99% मिल रहे हैं, रास्ता एक ही है ना अपना, रास्ता एक है और वो पता चल गया है हमें एक्चुअली। देखो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो है ना वो आपके अंदर एक एक्सपेंशन कर देती है, आप ध्यान रखना, और ऑनेस्टी ही जो है आपको अपने ऑडियंस के साथ, अपने लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है, आपका कनेक्शन बनता है। आई गिव यू वन ब्यूटीफुल एग्जांपल, गुरुजी की बात की ना, एक फिल्म थी बनारस मिस्टिक स्टोरी, पंकज पराचार्य की थी और उर्मिला मातोंडकर उसमें लीड कर रही थी, इसकी कास्टिंग बहुत सारी जो बाकी हुई वो बनारस में हुई क्योंकि वो लोकल लोग चाहते थे, तो पंकज जी के ऑलमोस्ट हर फिल्म में होता था पहले, तो इसके लिए मुझे बुलाया था उन्होंने, तो अचानक एक दिन फोन आया बनारस से कि रमाकांत आर यू अवेलेबल, ऐसा कुछ ऐसा एक मुश्किल से एक ही सीन है, दो सीन्स है तो तू करेगा? मैंने कहा अरे क्या बात है, पंकज जी जिन्होंने मुझे पहले फिल्म दी थी तो मैं उनको कैसे मना कर सकता हूँ, मैं चला गया। तो जो प्रोड्यूसर थे बस वेटिंग फॉर मी कि पंकज ने एक एक्टर को बंबई से बुलाया, ये कौन है भाई जिसको बंबई से बुला रहा है, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर मी, उन्होंने कहा कि ये जो पिक्चर है उसमें जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं आपके जरिए इन सिर्फ 4 लाइनों में कह रहा हूँ, आप ये बस समझना कि सिर्फ 4 लाइन का डायलॉग है, इसमें मेरी पूरी फिल्म की कहानी है, मेरी पूरी फिलॉसफी है। ओके तो उन्होंने पूछा डू यू अंडरस्टैंड अध्यात्म क्या, मैंने कहा मैं रविशंकर जी का भक्त हूँ, बोले बस देन यू रिमेंबर हिज स्माइल एंड डू द सीन, और मैंने वो एक सीन था, मैंने उसमें बड़ा उनका एक बहुत ही अच्छे चीजें थी कि जीवन क्या है, मतलब जो सरल है जो सहज है वही सत्य है, एक बहुत बहुत प्यारी लाइन थी, जो सहज है वो सरल है, जो सरल है वही सत्य है, मैं कहता हूं कि जो अच्छा है वो सच्चा है, जो सच्चा है वो अच्छा है, पीरियड, उसके आगे कुछ नहीं। तो हमने सीन किया दोस्त, सीन किया, शूट हो गया पिक्चर, 6-8 महीने बाद रिलीज हो गई, लोगों ने तारीफ की छोटे मोटे, 1-1.5 साल बाद में हमारे टीचर है विश्वास भैया, ही वॉज इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में फिल्म देख रहे थे, जैसे मेरा सीन खत्म हुआ उन्होंने मुझे फोन किया, बोले रमाकांत भैया जैसे ही आप आए ना स्क्रीन पे मैं अपने गुरुजी से कनेक्ट हो गया। हाय 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 क्या बात है, सी द पावर, बिकॉज व्हेन जब मैं अपने डायलॉग बोल रहा था मेरे दिमाग में श्री श्री रविशंकर जी थे, वो कनेक्शन उस एक्ट, वो जो 1.5 साल बाद में हॉस्पिटल में बैठ के जो सीन देख रहे हैं
आफ्टर फिनिशिंग माय सीन उन्होंने फोन किया कि आपके इस सीन के बाद में मतलब मैं सीधे जुड़ गया गुरुजी से. तो सी द काइंड ऑफ पावर यू हैव एज एन एक्टर, यस द काइंड ऑफ ब्लेसिंग यू हैव एज एन एक्टर एंड काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव एन एज एन एक्टर. डोंट चीट योर ऑडियंस, जितनी हो सके ईमानदारी से काम करो. करेक्ट सर. प्रबुद्ध दायमा, प्रबुद्ध दायमा हाँ मेरा बेटा है, मैं स्वागत करता हूँ. वेरी गुड एक्टर. थैंक यू प्रबुद्ध. प्रबुद्ध कह रहे हैं कि यू वर अमेजिंग इन दैट रविंद्र टैगोर शो, वेरी अनलाइक ऑल योर कॉमेडी कैरेक्टर्स. प्लीज टेल अस अबाउट दैट डार्क कैरेक्टर. प्लीज सर बताइए, प्लीज सर बताइए. अभी तुम जानते हो जनरली मुझे एक मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एड वगैरह में या फिर इस तरह के कॉमेडी है या फिर तो इस तरह की चीजों के याद करते हैं. हाँ. अनुराग बसु सर के साथ मैंने पहले एक ऐड किया था, उसके बाद उन्होंने मैंने उनके साथ एक और ऐड किया जिसमें रणबीर कपूर थे, आईपीएल था पेप्सी का. ओके. मैंने दो ऐड किए थे, फन लविंग डांसिंग वांसिंग वो सब है ना, कॉमेडी शॉमेडी सब. एक दिन मुझे बुलाया उन्होंने और बोले कि एक मैं शो कर रहा हूँ उसमें 6-7 दिन तुम्हारे पास है. मैंने कहा अभी मेरे पास तो है, आ जाओ. मैं चला गया. मुझे बोला आई एम गिविंग यू नेगेटिव, आई एम गिविंग यू समथिंग डिफरेंट देन व्हाट यू हैव बीन डूइंग. मैंने कहा क्या है? उन्होंने बताया. मैंने कहा तो बहुत नेगेटिव वाला बंदा है. बोला नहीं तू करेगा, आई नो यू डू इट एंड डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, जस्ट गो विद द फ्लो. एंड आई और मैं फ्लो के साथ जाता रहा और वो जो था वो जैसे जैसे मैं करता रहा मुझे लगा कि यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं कि आई कैन डू दिस. जिस तरह का वो जो करेक्टर है, कभी मौका लगे देखना नेटफ्लिक्स पे है रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरीज में, उसमें मेरी स्टोरी है वारिस. वारिस नाम की कहानी है. ओके. अमेजिंग स्टोरी है और खतरनाक करेक्टर है. ऐसे करेक्टर दोबारा मिलते नहीं भाई. विद ब्लेसिंग अनुराग सर का मैं आभारी हूँ, बसु सर का. मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं ये इतना इम्पोर्टेंट मेन लीड भाई. अनुराग बसु के शो में पूरी कहानी का दारोमदार मुझ पे. क्या बात, ओ माय गॉड, क्या बात, क्या बहुत मुश्किल था बहुत, लेकिन सर, मैं करता गया सर. हम लोग ना रोज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं. मैं सोच रहा हूँ कि ये गेम अभी खेलते हैं, बहुत मजा आएगा. उसमें ऐसा है कि रैपिड फायर राउंड बोलते हैं उसको. अच्छा ये क्या लाया भाई? जैसे गुरु जी को नहीं पूछते वो रैपिड फायर राउंड, गुरु जी को एक सेंटर एक वर्ड होता है, मैं यहाँ से एक वर्ड बोलूंगा उसके रिलेटेड आपके माइंड में जो पहला वर्ड आएगा वो आपको बोलना है. अच्छा ठीक है. अच्छा, एक वर्ड तुम बोलोगे मेरे दिमाग में जो दूसरा वर्ड आएगा मुझे बोलना है. वो बोलना है रिलेटेड वर्ड है उससे रिलेटेड. रिलेटेड ओके. हाँ फैमिली. वसुधैव कुटुंबकम. द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली. हाउ स्वीट. गॉड. आई एम पार्ट ऑफ इट. यशस्वी. यशस्वी आपकी बेटी. यशस्विनी ब्लेसिंग. एंड प्रबुद्ध. प्रबुद्ध अगेन ब्लेसिंग. आई एम प्राउड टू बी फादर ऑफ यशस्विनी एंड प्रबुद्ध. दोनों बहुत ही जेन्युइनली अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं, बहुत ही ऑनेस्ट एक्टर हैं एंड देर आर वेरी फाइन ह्यूमन बींग फ्रॉम इनसाइड. उनके अंदर छल कपट नहीं जो जनरली आजकल के मतलब कुछ थोड़े से जरा चढ़ गए ना तो उनमें नहीं. वेरी ऑनेस्ट एंड इनोसेंस. देखो आज की दुनिया में हम क्या खो रहे हैं मालूम है? हमारा इनोसेंस खोते जा रहे हैं. करेक्ट. हम लोग लाउड हो रहे हैं, हम लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, हम लोग वी आर डिमांडिंग, वी वॉन्ट टू डू सो मेनी थिंग आर टूगेदर. इफ यू जस्ट वॉच अ फिल्म सम 20-30 ईयर्स बैक, देखो उस वक्त के हीरो हीरोइन में कितना इनोसेंस था, उनके प्यार में कितना इनोसेंस था, उनके तकरार में कितना इनोसेंस था, उनकी लड़ाई में कितना इनोसेंस था. अब कहाँ है, कहाँ गए वो लोग? Maybe I'm 60 plus uncle talking, but I can understand time is changing, globalization हो रहा है. It is good. It's time to upgrade yourself. I keep on upgrading myself. Correct. क्या बात. God bless them और बहुत ही अच्छे से वो लोग भी आगे काम करते रहे. अपनी मेहनत है. फिर चौथा वर्ड है आपके लिए माइंड. माइंड ध्यान. हार्ट. ऑनेस्टी. पैशन. लाइफ. एक्टिंग.
पैशन, वाइफ, ब्लेसिंग, श्री श्री रविशंकर जी, वो जो महाभारत में जो घोड़े की लगाम लेके वो बैठे थे ना चलाने ले, तो वो जिनके हाथ में लगाम है, वो जिनके हाथ में लगाम है, वो नहीं पीपल जो यंग लगते हैं, रमाकांत दायमा, अगेन आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई हैव दिस माय वाइफ माय फैमिली माय मदर, आई एम ब्लेस्ड आई एम हियर in this world today, I'm blessed, I am connected to so many people who have whatever I could do in my life. Hetal Punivala. Again blessing. Achha banda hai, aise nahi milta. Dekho, duniya mein, humare Hindustan mein 130 crore log hai. Bombay mein 2.5 crore log hai. Aap kitne ko jante ho? Aur kitne achhe logon ko jante ho? Kitno ko milke aapke chehre pe muskurahat aa jati? कितनों को लग के आप मिलके आपको अच्छा लगता है, कितनों को आप दोबारा मिलना चाहोगे, हैं? करेक्ट 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 बोला सर. तो? मुझे पता चला है कि आप गाना बहुत अच्छा गाते हो सर, सुनाइए. अरे वो तो कैसा है ना, देखो हर आदमी, अगेन आई एम सेलिंग यू, सुर सबके गले में होते हैं. हाँ, कुछ लोगों का स्टेज होता है बाथरूम, नहीं कुछ लोगों का स्टेज होता है बाथरूम, कुछ लोगों का स्टेज होता है ड्राइंग रूम. सर पतली गली मत निकालिए, मुझे पता है बहुत अच्छा गाते हो, मुझे यशस्वी ने बताया था. हाँ देखो कैसा है, गाने का तो फिल्मी गीत तो हम गाते हैं, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है. गाना जो क्लासिकल उसमें सीखना पड़ता है, फिल्म संगीत में थोड़ा सा सुरों का आइडिया हो हम गा लेते हैं. हाँ मुझे गाने का बड़ा शौक है. प्लीज सर कोई सुनाइए ना कुछ. किस तरह का गाना चाहिए, सीरियस चाहिए, हैप्पी गोइंग चाहिए, किस तरह का? व्हाटएवर यू विश सर, व्हाटएवर यू विश. अच्छा, मैं वो झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू मन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला. मैं वो झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू मन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला. यो टिड़िड़िड़िड़ पकड़ बागा लोगा बागा, यो टिड़िड़िड़िड़ धीरज ने बताया मुझे, थैंक यू यशस्वी, थैंक यू सो मच धीरज. अपने आप को खुश रहने के ये सब ये जो जो वेपन्स है ना, गाओ, डांस करो, मस्ती करो. हम लोग यहाँ पे खुश हैतल, हम लोग इस दुनिया में खुश रहने के लिए आए हैं. जिसने हमको भेजवाया, जिस भी भगवान पे विश्वास करते हो, उन्होंने आपको यहाँ रोने धोने के लिए नहीं भेजा भाई, आपको खुश रहने के लिए भेजा. तो खुश रहो. थैंक यू सो मच यशस्विनी, थैंक यू प्रबुद्धम, थैंक यू प्रबुद्ध, थैंक यू. सर प्रबुद्ध नाम का क्या मतलब होता है, क्यों प्रबुद्ध? एनलाइटेंड, 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 जो जानता है. यशस्विनी कह रही है, क्या बात, यशस्विनी देवी लक्ष्मी का नाम है, देवी लक्ष्मी का नाम मुझे पता है. क्यों हमारे यहाँ रिवाज है ना, नामों का महत्व होना चाहिए, नामों का अर्थ होना चाहिए. करेक्ट. मैं चाहता था कि बच्चों का नाम ऐसे हो, विजिटिंग कार्ड अंदर जाए ना, यशस्विनी दायमा, तो आदमी खड़ा हो जाए, कौन आ रहा है भाई, प्रबुद्ध दायमा कौन आ रहा है. नाम से लगे ना कि कोई आने वाला है. आने वाला है. सर व्हाट इज सॉल्ट एंड पेपर फैमिली, ये क्या मतलब होता है? अरे सॉल्ट एंड पेपर फैमिली कैसा है ना कि मिकी मखीजा, संजय भाटिया हमारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही जहीन, बहुत ही अच्छा इंसान है. हाँ, तो ये लुक से ओरिएंटेड है. तो हम लोगों ने, निशित ब्रोकर, इन लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया, जितने भी हम सीनियर एक्ट्रेस हैं जिनके बाल सफेद हो गए हो थोड़े से, उन लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया कि आपस में बातें करते रहेंगे, वो जो आज की डेट में जरूरी है. तो ये मेरे ख्याल से संजय भाटिया सर ने पूछा है ये सवाल. अच्छा, ये संजय भाटिया का मैं आभारी हूँ.
क्योंकि एक तो एक ऐसा दोस्त आपके पास होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत मेहनती, बहुत ऑनेस्ट, बहुत हेल्पिंग नेचर के आदमी है, और इन लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया तो वो ग्रुप अभी हमारा एक बहुत बड़ा परिवार बन गया है। तो हम आपस में अपनी छोटी छोटी बातें उसे शेयर कर लेते हैं, कभी मिल लेते हैं, और हमारे अंदर सब हम एक ही एज के हैं ऑलमोस्ट, हमारे अंदर कभी कंपटीशन नहीं होता है, हमारे कंपटीशन नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, एक दूसरे को बोलते हैं तू वहां क्यों नहीं गया, वहां पे ये चल रहा है। वाओ तो ये बहुत ही मुस्कुराता हुआ, बहुत ही प्यारा ग्रुप है ये सर। हमारा भी एक ग्रुप है, हमारी एज ग्रुप में ऐसा एक ग्रुप जिसमें हम लोग सब है, बट कभी ऐसा नहीं ये लोगों में। अभी बीच में राजेश बलवानी सर भी आए थे अपने, हाँ राजेश हमारे ग्रुप में है, राजेश है हमारा, हाँ राजेश, कुछ लोग जो है ना बदमाश करके घुस गए, इनके बाल सफेद नहीं हुए, और राजेश के बाल कभी सफेद होंगे नहीं, राजेश बलवानी ऐसा आदमी है उसके बाल सफेद हो ही नहीं सकते, बच्चा है वो बच्चा है। संजय भाटिया सर लव यू बोल रहे हैं, हम संजय भाटिया जी के बाल सफेद किए, मेरे लिए भी लव यू है सर, ये आपके लिए नहीं है। अरे वो फुल ऑफ पैशन आदमी, बहुत अच्छा आदमी। अरुण रंजन सर को आप शायद जानते होंगे सर, वो भी हमारे ब्रॉड पे आए, उनका बहुत बड़े डायरेक्टर है, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, बहुत ही अच्छे इंसान है, कभी काम करने का मौका मिले जरूर करिएगा। मैं बहुत सर, मैं मेरा सौभाग्य होगा आपसे मुलाकात जरूर होगी, यहाँ मिले हैं तो दोबारा शूट पे मिलेंगे सर, ये वादा रहा, जरूर मिलेंगे सर। लाइफ में जैसे बोलते हैं ना कि किसी ना किसी को सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने के लिए किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, तो कोई मेंटर होते हैं, तो आपका कोई मेंटर रहा है क्या? कोई मेंटर रहा है? मेंटर ऐसे कोई नहीं रहा, मुझे किसी ने राह नहीं दिखाई, किसी को मिलाया नहीं, कहीं पर किसको भेजा नहीं, और लेकिन अगर आप कहेंगे कि मतलब मैं किसको एडमायर करता हूँ एक्टरों में, Yes, तो मेरे दो एक्टर हैं जो एक जमाने पुराने जमाने के, एक नए जमाने के। पुराने जमाने के एक्टर हैं बलराज साहनी, इनके जैसा डिग्निफाइड, इनके जैसा एक्टर मैंने कभी नहीं देखा दोस्त। उनकी फिल्म है वक्त, वक्त में आखिर में कोर्ट सीन है जहां पर राजकुमार कहते हैं कि लाला जी आपको अगर मैं राजू और बबलू से मिला दूं तो मुझे क्या दोगे, उसके बाद में वो बोलते हैं बलराज साहनी कि मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगा। मैं हर बार रोता हूं, कई बार तो किस्सा सुनाते सुनाते रो देता हूं मैं। पावर ऑफ एक्टिंग अगर है ना, पावर ऑफ ऑनेस्टी जो है वो उस आदमी में, वो मुझे हमेशा याद दिलाता है कि रमाकांत बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट, अपने दिल से बात करो, तुम लोगों को रुला सकते हो, हंसा सकते हो अगर तुम ऑनेस्ट रहोगे तो। और दूसरे है पंकज कपूर, उनके जैसा एक्टर नहीं। मेरे दो मेन मतलब जिनको मैं समझता हूँ कि आई शुड यू नो डू समथिंग, क्या बात, अमेजिंग, इतने डिफरेंट कैरेक्टर, इतने डिफरेंट स्टाइल में बोलना, इतने डिफरेंट स्टाइल में चलना, उठना, बैठना। मकबूल में अलग है, तो इसमें नीली क्या ब्लू अम्ब्रेला में अलग है, क्या एक्टर, क्या और बल्ला साहनी की उनके, आप उनके आते देखो, अगर वो 2 बीघा जमीन में है तो वो मजदूर है, और कहीं देखो तो बैरिस्टर है तो बैरिस्टर है। माय गॉड, क्या बात है, मुझे में एक अंश भी आ जाए ना इनका तो मैं बोलूंगा आई एम सो ब्लेस्ड। वाओ क्या बात है, कुछ किया नहीं है अभी, है तो हमने कुछ किया नहीं, लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, मैं समझता हूँ हर फिल्म, हर सीन मेरे लिए नया है, मुझे नहीं आता, हर सीन नया है मेरे लिए, हर सीन का डायलॉग नया है, सामने का एक्टर नया है, मैं ऐसा ओपनली जाता हूँ, और वो सीन मुझे सिखाता है, वो फिल्म मुझे सिखाती है, वो शो मुझे सिखाता है, हर चीज एक नई चीज देखने को मिलती है, और फिर आप लोगों के सामने जाते हैं। टेक्निकल नॉलेज होना अलग बात है सर, तो अभी जैसे बहुत सारे नए नए लोग एक्टर बनने के लिए यहाँ मुंबई में भी आ रहे हैं, बीच में भी आ रहे थे, अभी तो जैसे लॉकडाउन की वजह से सब खाली हो गए, सब चले गए अपने, बट सर वो जो जैसे वो लोग आते हैं यहाँ पर, मम्मी पापा किससे झगड़ा करके आ जाते हैं, किससे झगड़ा करके आ जाते हैं, नहीं यार मुझे तो जाना ही है, जाने इज्जत करके यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ होता नहीं है, फिर बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं, काम होता नहीं है, फिर सर्वाइविंग का प्रॉब्लम होता है, तो सर उनके लिए क्या मैसेज पास ऑन करना चाहेंगे, क्या बताएंगे? देखो मैसेज तो दे सकते नहीं है, मैं अपनी मन की बात कह सकता हूँ कि कोई भी काम, हर काम अपने आप में स्किल है, खाना बनाना अपने आप में स्किल है ना, आपने एक चीज बनाई, आपने दूसरी चीज बनाई, आपको कई तरह के खाने बनाने का अनुभव हुआ, आपको 2 आदमी के लिए खाना बनाना आ गया, 20 आदमी के लिए बनाना आ गया, 200 आदमी के लिए बनाना आ गया, ये स्किल है, कारपेंटरी भी स्किल है,
और ये अगर स्किल है तो इसको आप पॉलिश करते जाओ, पॉलिश करने के बाद में जब आपको लगे कि हाँ यार अब मुझसे जो अब तो मैं इसमें पहुंच गया, उसके बाद बम्बई आओ। आप अच्छे दिखते हो, आप गोरे चिट्टे हो और स्मार्ट दिखते हो, बहुत बड़े दिखते हो, लोग चढ़ाएंगे बम्बई आ जाओ, नो। आपके अंदर वो पहले वो बात पैदा करो, क्योंकि जब यहां आओगे आपको ऑडिशन देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा 500 लोगों के बीच में, तो आपके कंप्यूटर आपकी तरह 499 लोग और होंगे। ये बात ध्यान में रखो, तुम्हारे पास अलग क्या है, तुम्हारे पास अपना क्या है, तुम्हें आता क्या है, तुम्हें क्यों देखे डायरेक्टर, तुम्हें क्यों पास करे डायरेक्टर, तुम्हें क्यों पसंद करे डायरेक्टर, वो कुछ लेके आओ। और लेके आओ तो अपने आपको टाइम देके आओ, घर में ये मत बोल के आओ अब तो मैं हीरो बनकर रहूंगा, नो, बोलना भी जा रहा हूँ एक हाथ दो साल कोशिश करूंगा, कम से कम 2-3 साल तो आओ यहाँ पे रहो, देखो यहाँ पे हजारों लोग आपके तरह ही घर छोड़ के आए हुए हैं, उनको देखो सीखो, मजाक नहीं है। बम्बई में आके रहना, किराया देना और रोज रोज काम कहाँ मिलता है, 4 महीने से हम घर बैठे हुए, कभी कभी बीच में एक दो दो साल चला जाता है, काम ही नहीं है। एक्टिंग जो है ना ये दुनिया का एक एक अनसर्टन प्रोफेशन है, एक पल का एक पल का राजा हो आप, अगले पल आप पता नहीं कहाँ हो, खाजे की दिक्कत हो जाए। सर अगले पल क्या, शूटिंग खत्म होने के बाद ही आपको नहीं पूछते वही जो लोग सिलेक्ट करते हैं आपको। वो शादी में जैसे शादी हो जाती है ना, वो जैसे दूल्हे दुल्हन के गले में माला पड़ी, बरात जी को इज्जत नहीं करता, बोला चल भाग यहां से। शादी से पहले बरात जी की बहुत सेवा होती, बाबू जी चाय पियोगे, बाबू जी दूध ले आओ, लस्सी ले आओ, जैसे अक्षता हो गई, शुभ मंगल सावधान, अब कहां जाएगा बेटा। सर एक्टिंग एक्टिंग को प्रोफेशनल के तौर पे लेने का निर्णय कब लिया आपने, ऐसे संजय जी पर पूछ रहे हैं। हाँ ये दरअसल क्या था ना, देखो बहुत मैं जब आया था तो ये सब मौके मिल रही रहे थे, तो मैंने एक जॉब पकड़ लिया, मैं बिरला में काम करने लगा और बिरला का बहुत बड़ा ग्रुप है, वहां पे काम करने लगा। काम करते करते फिर मैं रेडियो और आकाशवाणी, मतलब इस तरह के छोटे छोटे कामों में खुश हो गया। कभी कुछ प्ले कर लेने टाइम मिल जाता था, शाम को होते थे प्ले, तो उसमें खुश हो गया। फिर जब मैंने धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म थिएटर के साथ जुड़ा, मैं गांधी माय फादर के साथ जुड़ा और फिर ये प्ले करने लगा, तो मैंने कहा कि अब जब जॉब कर रहा हूं तो कई अच्छे शोज आते हैं। जब ये टेलीविजन शुरू हुआ ना तो मुझे बड़े अच्छे अच्छे ऑफर आते थे, मैं कर नहीं पाता था बिकॉज आई वॉज वर्किंग। अच्छा क्या होता था कि ये जो एक पैशन होता है ना, ये आपको चैन से बैठने नहीं देता, लगता कि कुछ अपूर्ण है आपके अंदर, कुछ रह गया, कुछ यू नो, दाल सब्जी बहुत अच्छी है लेकिन कुछ कम है, समझ में नहीं आ रहा क्या कम है, वो मुझे बेचैन करता था। फिर एक आदमी का मैंने कहीं भाषण सुना, बोला व्हाट इज एक्सपीरियंस, बोला मैं एक आदमी था एडवर्टाइजिंग का आदमी, बोला मैं एक ही प्रोडक्ट पिछले 30 साल से एक ही तरह के डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा हूँ, सेम प्रोडक्ट है, थोड़ा मॉडिफाई होता रहता है, मैं उसी को बेच रहा हूँ, वो मुझसे खरीद रहा है, क्या एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस। मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा यार साला मैं 27 साल से झकवार रहा हूँ और यार ठम से कुछ खुल गया, मैंने कहा यार ये क्या है। और फिर लगा कि नहीं, वो जो एक ठहराव से आ गया था, मैंने कहा इसके आगे क्या, मैंने कहा भागो यार, मेरे शहर में छोड़ दिया आपने नौकरी, नहीं हाँ छोड़ दिया, सब पागल हो गया सब, आपको क्या हो गया, मैंने कहा बस आई एम टेकिंग ब्रेक, क्या करोगे मालूम नहीं। बोले आप कम से कम एडवाइजर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, मैंने कहा कुछ नहीं सर। बोले 2 घंटे काम करो, मैंने कहा सर काम 2 घंटे का नहीं होता, जिम्मेदारी 24 घंटे की होती है, 2 घंटे का काम नहीं होता तो मैं नहीं करूंगा। तब से सोच लिया कि आप तो एक्टिंग ही करनी है ना? अब मैंने कहा घुस जाओ, क्योंकि क्या है ना कि अंदर से संपूर्णता, मतलब एक वो होता है ना, वो पूरा नहीं हो रहा था। मैंने कहा मारो, जब मैं शोलापुर में था, अरे आई वाज अ स्टार, मतलब मैं निकलू ताजुब होगा, मैं निकलू तो खट 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 खिड़कियां खुल जाती थी, रमाकांत दाइमा आला दाइमा आला, अरे मतलब पूरे शहर में हंगामा, गाने में मैं आगे, मिमिक्री में आगे, एक्टिंग में आगे, इलोकेशन में आगे, जो व्यक्तित्व स्पर्धाएं होती थी, मैं जाऊं और पहला प्रेस न मिले सवाल ही नहीं उठता, क्या बात है, लोग डरते थे दायमा है क्या, अरे बाप रे पहला प्रेस तो गया, एक गर्व की बात नहीं है, उसको स्टारडम था ऐसा। और मैं वहां से निकला, मैंने कहा बम्बई जा रहा हूँ, अब बम्बई में कुत्ता नहीं पहचाने बगल का आपको, मैंने कहा यार ये क्या है, कुछ तो करो कुछ तो करो, ईश्वर की कृपा से जब लोग रोकते हैं, बात करते हैं और वो सेल्फी लेते हैं, तो मैं ईश्वर का आभारी हूँ। चकदे इंडिया ने मुझे इतना फेमस कर दिया, आज भी लोग चकदे इंडिया के, आज मैंने कितने सैकड़ों विज्ञापन किए हैं, फिल्में की हैं, वेब सीरीज किए हैं, टीवी शोज मैं कम करता हूँ क्योंकि वहां बजट नहीं होता, आई एम सॉरी। तो
लेकिन चकदी इंडिया से मुझे लोग ज्यादा जानते हैं आज भी करे. और मुझे बड़ा मैं अच्छा लगा. पहली बार सर जब मिला था तब मैं चकदी इंडिया के थ्रू ही जानता था, इसीलिए मिला था मैं आपको. हाँ, तो वो एक ब्लेसिंग है. जब पहली बार मैंने आपसे बात किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था सर आपसे बात करके पहली ही बार में. तो वो एक एनर्जी भी अट्रैक्ट करती है ना सर हमको, एनर्जी बहुत. राइट 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 राइट. बट सर आई एम सो मच ग्रेटफुल सर, आपने मतलब इतना टाइम डिले हुआ फिर भी आपने हाँ बोला कि ये तल हम करेंगे. अरे ठीक है ना, सो मच ग्रेटफुल. इट्स रियली नाइस मीटिंग यू सर, एंड सर थैंक यू सो मच फॉर. गॉड ब्लेस यू. और सब लोग हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे, क्योंकि हमने ऊपर वाले से वादा किया है. गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं. बी हैप्पी, बी स्माइलिंग. लव यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. सभी का मैं आभारी हूँ. मैंने नाम देखा नहीं कौन कौन आया है, क्योंकि फिर वो चप्पल लगा के देखना पड़ता है. थैंक यू सबका, सबका बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू सर. सर थैंक यू सो मच. मतलब मैं, मेरे पास वर्ड नहीं है आपको थैंक यू बोलने के लिए, बस या आई एम सो मच ग्रेटफुल. मत बोल यार, प्लीज आशीर्वाद बनाए रखिएगा सर हमसे. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू सो मच यशस्विनी जी, थैंक यू सो मच यशस्विनी जी, यू केम और ब्रॉड पे चार चांद लगा दिया आपने. थैंक यू यशस्वी. निखिल शेट्टी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस. उमा शेखर जी थैंक यू. हेतल सर यू आर अमेजिंग, स्पोक सो वेल, लव योर एनर्जी. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच. वुड लव टू टेक योर इंटरव्यूज ऑल्सो, हम लोग आपके साथ भी जरूर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. यशस्विनी इफ यू अग्री देन वी विल डेफिनेटली कम टू ब्रॉड एंड वी विल डेफिनेटली टॉक like that, so could be better. Thank you so much, thank you so much guys, God bless you and do take a very good care of yourself.